और स्टूडेंट्स, आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ी फिलोसफिकल है, ध्यान से समझना। छोटा वीडियो रखूंगा लेकिन कोशिश करूंगा ध्यान से समझाने की। सफलता के दो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रिडिक्टर्स हैं। यदि ये दो क्वालिटीज आप में हैं तो सफलता से जुड़े हुए बाकी गुण जैसे कि कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क, ये सब खुद ब खुद आते जाता है। और जब सफलता की मैं बात कर रहा हूँ तो सफलता के कई आयाम हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, दोस्ती, आपका भीतर से हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है जिसको सोल बोल सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें सफलता में आती हैं। तो इन किसी जिन भी क्षेत्र, चाहे आपकी पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप चल रही है आपकी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स हो या पेरेंट्स की बच्चे से रिलेशनशिप हो, आपसी दोस्ती हो, इन सब में जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, असफलता हो रही होती है, तो उनमें कई बार ये फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। ये दो बेस्ट फैक्टर हैं, इनको समझना। पहला फैक्टर है सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर आत्म जागरूकता, हिंदी में बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और दूसरा सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है सफलता का, यदि ये भी है आप में, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो आप लोकप्रियता, पैसे, ये सब बाय प्रोडक्ट होंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी सब कुछ खुद ब खुद मिलता जाएगा क्योंकि आपकी बाकी सारी चीज़ें उससे जुड़ी होंगी। तो दूसरा है, सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, वो है आउटसाइड अवेयरनेस। अब ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है सुनने में, तो मैं है भी सिंपल लेकिन समझने की ज़रूरत है। आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है, एक समझ लो हिरण है, किसी को जंगल में देखा आपने, यहाँ आइए जबलपुर के पास खाना है, वहाँ मेरे साथ घूमिए कभी आकर, ठीक है। तो हिरण है ना, हिरण को यदि ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो कि वो शेर से नहीं लड़ सकता, शेर जैसा हिंसक नहीं है, शेर जैसा ताकतवर नहीं है, और ये सोचकर वो जाके शेर से भिड़ जाए तो क्या होगा, खा जाएगा शेर उसको, ठीक है, हिरण मारा जाएगा। वहीं हिरण को यदि ये सेल्फ अवेयरनेस या आत्मजागरूकता भी ना हो कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है, ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है, साइड साइड बदल के दौड़ सकता है और इस तरह से शेर से बच भी सकता है क्योंकि वो उसे लॉन्ग टर्म जो रनिंग है वो शेर से ज़्यादा कर सकता है, तो ये दोनों अवेयरनेस की वजह से वो अपना जीवन सक्सेसफुली जी सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, हिरण का ही एग्जांपल लेते हैं, आउटसाइड अवेयरनेस। तो हिरण को देखा कभी, खाते रहेंगे उन लोग, खाते रहेंगे झुंड में, लेकिन फिर भी अवेयर कोशिश करते रहेंगे, चंचल रहेंगे, चपल रहेंगे, यहाँ वहाँ कि साउंड पर कान खड़े रखेंगे कि कहीं पर कोई पदचाप तो नहीं सुनाई दे रही है टाइगर की, कहीं पत्तों की कोई आवाज़ तो नहीं आ जा रही, तो पूरे सेंसेस अपने वो इस्तेमाल करते हैं आउटसाइड अवेयरनेस के लिए। तो ये इंसानों की सफलता पर कैसे लागू हो सकता है? अब जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में जो लड़ते रहते हैं और कई बार उन्हें एहसास नहीं होता अपने खुद के बिहेवियर का कि मेरा बिहेवियर किस तरह से मेरे सामने वाले पार्टनर को हर्ट कर रहा है, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, ठीक है। टोटली लैक ऑफ इनसाइट जिसे कहते हैं वो होती है रिलेशनशिप्स में कई बार हम लोगों की। आपने कुछ स्पीकर्स सुने होंगे जो कि ऑडियंस के बारे में सोचते ही नहीं है, वो पहले तो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो कैसा बोल रहे हैं, उनके बोलने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, क्या आई टू आई कॉन्टेक्ट है, क्या कुछ ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं वो, या सिर्फ स्लाइड को देख रहे हैं। टीचर्स कुछ आपने देखे होंगे या स्पीकर्स देखे होंगे। और दूसरा आउटसाइड अवेयरनेस कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको, आपकी ओर अटेंटिव है या जमाई ले रही है, यहाँ वहाँ बातें कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है। तो यदि ये दो अवेयरनेस उस स्पीकर में नहीं होगी तो उसकी जो स्पीच है वो फ्लॉप हो जाएगी, वो सफल नहीं होगी, है ना, ऐसा होता है ना। इसको किसी भी जिंदगी की चीज़ में आप अप्लाई कर लीजिए। आपने कुछ सिंगर्स देखे होंगे अपने इर्द गिर्द जिन्हें लगता है कि बहुत अच्छा गाते हैं बट एक्चुअली दूसरों को नहीं लगता कि वो अच्छा गाते हैं, लेकिन उनमें वो भीतरी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि वो समझ सकें, और साथ में आउटसाइड अवेयरनेस नहीं कि दूसरे लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसलिए वो एक फॉल्स ड्रीम लेकर जीते रहते हैं और सबको सुनाते रहते हैं, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन उनमें ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि वो यदि कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ उसको बेहतर एक एम्बिशन बनाएं तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो पुरातन कथाओं में या इवन रामचरितमानस में देखिए कि हनुमान जी को पता ही नहीं था वो इतने ताकतवर हैं, ठीक है, या वो ऊपर बड़े हो सकते हैं, आकार में छोटे हो सकते हैं या समुद्र पार कर सकते हैं, तो उनको जामवंत ने ये बताया, तो वो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट था रामचरितमानस में जो है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है या आत्म जागरूकता, चाहे आप खुद को अंडररेट कर रहे हो या ओवररेट कर रहे हो, आपको अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज की सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो कि आपकी प्रतिक्रियाएं लोगों के साथ कैसी होती हैं, आपको अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं हो,
मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस नहीं हो, तो ये सब चीज़ें आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके निर्णयों पर इम्पैक्ट डालती हैं। वहीं आउटसाइड अवेयरनेस जो है कि आप जैसे आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आपको ये एहसास भी है, सेल्फ अवेयर भी हैं आप कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन साथ में ये आउटसाइड अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि क्रिकेट में निचले लेवल पर यदि आपसे आपको ऊपर जाना है तो एकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी है, क्या वहाँ पर करप्शन घोटाले तो नहीं है इसको लॉन्ग टर्म एम्बिशन बनाने में। तो ये जब तक ये कैलकुलेशंस आउटसाइड अवेयरनेस के नहीं होंगे तो आपका निर्णय गलत जा सकता है। सिमिलरली मैं मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो आप जो है पहले तो मेडिकल में आने के लिए आप में उतनी मेहनत करने की का जज्बा, वो उतना बेसिक IQ की आपको बड़ी बड़ी किताबें याद हो जाती हैं और एनालिसिस हो आपके भीतर, आपकी पर्सनैलिटी में लोग दबंग जो होता है वो पुलिस वाला या गुंडा ना देख के एक हम्बल सा व्यक्ति देखें, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का जॉब है और आपको किसी को हील करना है, ठीक है, आपके व्यक्तित्व में वो सूदिंग सा इफेक्ट है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको सेल्फ अवेयरनेस आप में है कि नहीं मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए। फिर आउटसाइड अवेयरनेस में कि आपको जो है आप कि इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, आप यदि डॉक्टरी में आना चाह रहे हैं तो कहीं है तो नहीं कि बहुत सैचुरेशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है या इसमें इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है जो मेरे पेरेंट्स खर्च नहीं कर सकते हैं या फिर कोई नई प्रॉब्लम्स आ रही। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपके सारे रिस्पॉन्सेज को तय करती हैं, सेल्फ अवेयरनेस और आउटसाइड अवेयरनेस। खुद में टटोलिए कि आप में ये कितनी है, हम सब में कुछ हद तक होता है, सेल्फ अवेयर भी होते हैं हम सब और हम सब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी अवेयर होते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है और बहुत सारे लोग में सेल्फ अवेयरनेस का जो मापक है, यदि मैं 1 से 10 तक करूं तो कुछ लोगों में 2 होगी, कुछ में 1 होगी, होती ज़रूर है, कुछ में 10 होगी, कुछ में 9 होगी, तो वो यदि हो आप में तो आप सक्सेस के रास्ते पर बढ़ निकलते हैं। जैसे विश्वनाथन आनंद का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उनको 4 साल की उम्र में पता चल गया था, 5 साल की उम्र में, 4 साल में उनको एक चेस बोर्ड ला के दिया उनके माँ ने, तो उनको पता चल गया कि वो चेस के लिए बने 5 या 6 साल की उम्र में। तो ये जो सेल्फ, तो हमें जो पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के लिए बने, किस प्रोफेशन के लिए बने, किस व्यक्ति के लिए बने, है ना, या ये व्यक्ति मेरे लिए बना या नहीं, तो कितने क्रूशियल डिसीजंस, शादी, करियर, आपका पढ़ाई में कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच लेनी, ये सारे इन दो फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। तो टटोलिए खुद को, इसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आप पूछेंगे आपकी आपने ये तो बताया नहीं कि डेवलप कैसे करें, तो भाई ये कुछ हद तक तो नेचुरल है, कुछ हद तक आप जब खुद से बात करोगे, खुद को आईने में देखकर पूछ लो खुद को या लिख लो कि तुम क्या सबसे अच्छा करते हो, किस चीज़ के लिए आप बने हो, फिर अपने कुछ लोगों का वो फीडबैक ले लो कि कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने ही बारे में गलत तो नहीं है, या आपके रिस्पॉन्सेज, आप किसी पर गुस्सा हुए तो अपना इंटरलाइज करो कि ये गुस्सा सही किया मैंने या गलत किया, या ये गुस्सा जो है मैंने जो व्यक्त किया वो उतना एप्रोप्रिएट ढंग से व्यक्त किया है नहीं, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या आपने किसी को प्यार किया उसके विषय में, तो हर रिस्पॉन्सेस पे खुद के पर नज़र डालकर देखिए, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस होने लगेगी सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, और सीधे फिर आउटसाइड अवेयरनेस। मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत महत्व रहा है, मेरा बचपन और चाइल्डहुड काफ़ी परेशानी भरा था, तो मैं उस वक्त जो है साइकोलॉजी की किताबें पढ़ लिया करता था जब छोटा था, बचपन में से ही पढ़ रहा था और समझने की, तो अनजाने में हुआ, मुझे नहीं पता था ये दो कॉन्सेप्ट क्या हैं, सेल्फ अवेयरनेस और आउटसाइड अवेयरनेस, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।